सो हेलो एवरीवन, आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट। सांप के काटने पर आप पहले तो सबसे पहले तो बॉडी में उसके जहर का जो स्प्रेड होता है उसको आप कैसे रोक सकते हो, फिर उसको आप मैनेजमेंट कैसे करना है आपको, और फाइनली उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होगी स्नेक बाइट की, और आपको स्नेक बाइट होने पर क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है पेशेंट को, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एक लैटिन में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड और बोल सकते हैं एक सेंटेंस दिया हुआ है, जो नॉर्मली जो MBBS की बुक्स है उसमें ये लाइन दी हुई है, दैट इज प्राइमम नॉन नोसियर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है फर्स्ट डू नो हार्म। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको मेडिकल फील्ड में आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, ये आपको पता होना तो बहुत ज़रूरी है, पर क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है ये पता होना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनडायरेक्टली ये लाइन का मतलब यहाँ पे वही है। तो अब मानो किसी को स्नेक बाइट हुआ है, स्नेक ने किसी को बाइट किया है, तो वो टाइम से लेकर हॉस्पिटल पहुँचने तक का जो टाइम होता है, वो जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और उस टाइम पीरियड में हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेनम है, जो बॉडी में जो पॉइजन गया है इंसान के, तो वो बॉडी में स्प्रेड ना हो। स्प्रेड होगा तो दिक्कत ज़्यादा होगी। तो हमें वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है। उस टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेनम का जो स्प्रेड है वो कैसे प्रिवेंट हो, ठीक है? तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में करनी होती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें क्या चीज़ उस टाइम पे नहीं करनी है। अब मोस्टली क्या होता है, अभी देखो आप हॉस्पिटल पहुंच गए, उसके बाद तो ट्रीटमेंट होगा तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही वो जानना, पर उसके पहले जब हॉस्पिटल नहीं पहुंचा है जो जिस इंसान को बाइट किया है, तो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है? तो अब मोस्टली अगर गाँव में स्नेक बाइट है किसी को, ठीक है, होता है, तो लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे एक टॉर्निक्विट या फिर एक कोई कपड़ा बांध देते हैं। मान लो कि यहाँ पे कहीं स्नेक बाइट है, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉर्निक्विट बांधेंगे। तो उनके हिसाब से क्या है कि इससे आगे जो जहर है वो फैलेगा नहीं। तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं। टॉर्निक्विट बांधोगे तो क्या होगा, वो इंसान को वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकता है और गैंग्रीन प्रोड्यूस हो सकता है, इसलिए टॉर्निक्विट तो बिल्कुल भी नहीं बांधना है। फर्स्ट डू नो हार्म, ठीक है, यहाँ पे आपको टॉर्निक्विट बिल्कुल भी नहीं बांधना है पेशेंट को। दूसरी चीज़, और लोग क्या करते हैं कि स्नेक ने बाइट किया तो क्या करेंगे, उस जगह को पानी से धोएंगे। यहाँ पे वो इंसान को कोई चोट नहीं लगी है, यहाँ पे एक स्नेक ने काटा है, ठीक है, तो जहर उसकी बॉडी में गया होगा। तो अगर पानी को धोगे, पानी से धोने से क्या होगा कि जो भी आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो स्टिम्युलेट हो जाएगा, ठीक है, और जल्दी ज़्यादा वो पंपिंग करेगा, और पंपिंग से क्या होगा, जो वेनम है वो जल्दी जल्दी बॉडी में स्प्रेड होगा, उसका जो स्प्रेडिंग है वो एक्सेलरेट होगा। तो वॉटरिंग, उसको धोना भी बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये भी आपको नहीं करना है। फर्स्ट डू नो हार्म, ओके। और लोग क्या करते हैं गाँव में, मान लो कि कहीं पर स्नेक बाइट है, तो और लोग क्या करते हैं कि वो जगह को सक करते हैं, और वहाँ से जो भी वेनम होता है उसको सक करके स्पिट करते हैं, उसको थूकते हैं, राइट? तो ये चीज़ भी बिल्कुल नहीं करनी है, ये चीज़ भी टोटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इसमें। क्यों? अब मान लो कि ये जो इंसान है यहाँ पे सकिंग कर रहा है, ठीक है, स्नेक बाइट पे, अब मान लो कि उसके मुंह में अल्सर है या फिर कोई कट है, तो क्या होगा, डायरेक्टली जो वेनम है उसके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और उसके उसके बॉडी में भी जाएगा क्या, वेनम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फर्स्ट डू नो हार्म, पेशेंट को भी नहीं और खुद को भी नहीं। यहाँ तक कि लोग और क्या क्या करते हैं कि आइस पैक्स लगाएंगे, इलेक्ट्रिक शॉक देंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं करनी। इसलिए सबसे मैनेजमेंट के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ये लाइन, प्राइमम नॉन नोसियर, मीन्स फर्स्ट डू नो हार्म। फिर उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। पर अब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, ट्रीटमेंट होने से पहले आपको रोकना है कि जो वेनम है वो बॉडी में स्प्रेड ना हो। तो अब उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको रीअश्योरेंस करना है, रीअश्योर करना है कि जो बाइट है वो वेनमस बाइट है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, जो बाइट होता है वो नॉन वेनमस होता है, जहरीला नहीं होता,
ठीक है, तो आपको पहले तो सबसे पहले आपको ये रीअश्योर करना है कि जो बाइट है वो वेनमस है। अब आप कैसे एश्योर करोगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो सेकंड है वो है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है, मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मोमेंट, और इमोबिलाइजेशन का मतलब है कि आपको जो मोमेंट है जिस लिंब में, जिस बॉडी के जिस पार्ट में स्नेक ने बाइट किया है, आपको उस पार्ट को मोमेंट उसका बंद कर देना है। क्योंकि मोमेंट करोगे तो क्या होगा कि जो वहां पे सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन है वेनम का वो बढ़ जाएगा, उससे कारण क्या होगा, फटाफट से बॉडी में स्प्रेड होगा। तो जिस भी बॉडी के पार्ट में, फॉर एग्जाम्पल जो स्नेक है उसने हाथ में, राइट हैंड में बाइट किया है, ठीक है, तो आपको उस हाथ को इमोबिलाइज कर देना है। तो अब उस हाथ को आप इमोबिलाइज कैसे कर सकते हो, बाय यूजिंग स्लिंग, और इवन आप स्प्लिंट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल से आपको वो हाथ का मोमेंट जो है वो रुकवा देना है बाय द पेशेंट, क्योंकि उस टाइम पे जो पेशेंट है बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ होता है कि उसको एक स्नेक ने बाइट कर लिया है, ठीक है। तो पहले आपको उसको शांत करना है, ठीक है, फिर शांत करने के बाद आपको जो पर्टिकुलर जो भी लिंब में उसके स्नेक बाइट है उस लिंब को आपको क्या कर देना है, इमोबिलाइज कर देना है बाय यूजिंग स्प्लिंट और स्लिंग, ओके। अब जो थर्ड है वो है प्रेशर इमोबिलाइजेशन, ठीक है, दिस इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमोबिलाइजेशन, ठीक है। तो अभी तक क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंपल सा वो जो पर्टिकुलर लिम्ब है उसको हम क्या कर दे रहे थे, इमोबिलाइज कर दे रहे थे, उसका मोमेंट रुकवा दे रहे थे, ठीक है। तो ये प्रेशर इमोबिलाइजेशन के डिटेल में जाने से पहले मैं आपको एक डिफरेंशिएट बता दूं। जो हमारे पास बहुत टाइप्स के स्नेक्स होते हैं, वेनमस भी होते हैं, नॉन वेनमस भी होते हैं, ठीक है। जो नॉन वेनमस है उनसे दिक्कत नहीं है, जो वेनमस है, ठीक है, उसमें भी दो तीन क्लासेस होती है उसकी। जो पहली क्लास है वो इलैपिड्स होते हैं। जो इलैपिड्स होते हैं उसमें कोबराज, क्रेट्स, ये सब आते हैं। और जो इलैपिड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। इतना याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके नॉलेज के लिए भी, और आगे जो हम मैनेजमेंट करेंगे उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो इलैपिड स्नेक्स होते हैं, इलैपिड जो क्लास होते हैं उनका, वो जो स्नेक्स होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं बॉडी में जब वो हमारी बॉडी में आते हैं। जो दूसरी टाइप की जो क्लास है स्नेक्स की वो है वाइपर स्नेक, आपने नाम सुना होगा वाइपर्स। और जो तीसरी क्लास है वेनमस स्नेक्स की वो है हाइड्रोफिट्स। जो हाइड्रोफिट्स होते हैं वो कॉज करते हैं मायोटॉक्सिसिटी, ठीक है। तो ये तीन क्लासेस जो वेनमस स्नेक्स की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलैपिड्स, वाइपर्स एंड हाइड्रोफिट्स, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्यों बताया यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रेशर इमोबिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो वो याद रखना है आपको वेरी इंपॉर्टेंटली। ये जो इमोबिलाइजेशन का टाइप है इसको हमें सिर्फ और सिर्फ इलैपिड स्नेक बाइट में ही हम कर सकते हैं, एंड दैट टू जो प्रोफेशनल्स होंगे जिनको ये पर्टिकुलर टेक्निक करना आता है, हम डिस्कस करते हैं अभी कि इसमें होता क्या है। तो ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है वो सिर्फ प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं, अगर वहाँ पर प्रोफेशनल प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला तरीका ना करे तो बेटर रहेगा, नॉर्मल इमोबिलाइजेशन कर दो बेस्ट है। जो इमोबिलाइजेशन टेक्निक है नॉर्मल वाली, सेकेंड वाली, ये हम दोनों में कर सकते हैं, वाइपर बाइट में भी, इलैपिड बाइट में भी, ठीक है। बट जो प्रेशर इमोबिलाइजेशन है ये हम सिर्फ और सिर्फ इलैपिड बाइट में ही करेंगे। तब सवाल ये उठता है कि हम क्यों वाइपर बाइट में नहीं कर सकते। वाइपर बाइट जो होते हैं अगर हम उसमें ये प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक करेंगे तो क्या होगा, जो पेशेंट है उसकी बॉडी में नेक्रोसिस हो सकता है, नेक्रोसिस डेवलप हो सकता है अगर हम वाइपर स्नेक बाइट में ये वाला टेक्निक यूज करेंगे तो लोकल नेक्रोसिस ना हो इसलिए हम वाइपर बाइट्स में इमोबिलाइजेशन टेक्निक करेंगे। और प्रेशर इमोबिलाइजेशन हम मोस्टली करते हैं इन न्यूरोटॉक्सिक कंडीशन, दैट इज द इलैपिड्स बाइट, ओके। अब जो टेक्निक है इसमें एक्चुअली में होता क्या, मैं आपको बता दूँ, देखो, ठीक है। तो ये है प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक। तो इस टेक्निक में होता क्या है ये डिटेल में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने पहले डिस्कस किया कि रीएश्योरेंस करना पड़ेगा हमें कि भाई वेनमस स्नेक ने बाइट किया है या नॉन वेनमस स्नेक ने बाइट किया, राइट। तो अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है वो आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसके ऊपर फैंग मार्क्स है कि नहीं है। अगर फैंग मार्क्स प्रेजेंट है तो वेनमस स्नेक है, नहीं है तो नॉन वेनमस है, ठीक है। जो नॉर्मल नॉन वेनमस स्नेक्स होते हैं, नॉन वेनमस स्नेक,
उसके पास नॉर्मल रोज ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है, उसके पास फैंग्स नहीं होते, पर जो वेनम स्नेक होता है उसके पास नॉर्मल रोज ऑफ टीथ तो होते ही है, साथ ही साथ में फैंग्स भी होते हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि फैंग्स होते क्या है? जो फैंग्स होते हैं वो भी एक तरह के दांत ही है, जो बहुत जो एकदम ही आगे प्रेजेंट होंगे और बहुत ही पॉइंटेड होंगे, और ये जो लंबे लंबे दांत जो होते हैं वो जो स्नेक है उसकी आंखों के मीन्स बिहाइंड द आईज ऑफ द स्नेक एक वेनम सैक प्रेजेंट होता है, और वहीं से ये जो है पर्टिकुलर जो फैंग्स होते हैं स्नेक के वो एसोसिएट होते हैं, उससे अटैच होते हैं। तो जो फैंग्स होते हैं वो बेसिकली पॉइंटेड टीथ होते हैं जो वेनम सैक से जुड़े हुए होते हैं, जो प्रेजेंट होता है बिहाइंड द स्नेक्स आईज। ओके, तो फैंग मार्क्स सिर्फ और सिर्फ वेनम स्नेक्स में देखा जाता है, ठीक है। तो ये इससे आप डिफरेंशिएट कर पाओगे हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ वेनमस एंड अ नॉन वेनमस बाइट्स। सो एज यू कैन सी वही है कि यहाँ पे फैंग मार्क्स दिख रहे, ठीक है। तब क्या करोगे, सिंपल सा एक रोल यहाँ पे करोगे, जो क्रैप होता है इसको आप यहाँ पे एक रोल करोगे, ठीक है। फिर आप धीमे धीमे आगे जाओगे पर्टिकुलर लिम्ब। हमें क्या करना है प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक में, हमें पूरे लिम्ब को ही इससे रोल कर देना, ताकि जो पूरा लिम्ब है वो पूरा ही इमोबिलाइज हो जाए। तो पर्टिकुलरली सबसे पहले तो फैंग मार्क पे करेंगे, देन आगे जाएंगे, देन एकदम ही जो ये पर्टिकुलर फैंग मार्क है उससे भी पीछे जाएंगे और पूरे लिम्ब को कवर कर देंगे, पूरे लिम्ब को इस क्रैप से, इस पर्टिकुलर से कवर कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हमने कवर कर दिया, अब इसके बाद एक कोई भी स्टिक या रॉड लेंगे जो भी हमारे आसपास हो उसको लगा देंगे, और फिर उसके बाद ऊपर से भी रोल करेंगे ऐसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। तो सिंपल सा टेक्निक है ये, बट ओनली परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स, क्योंकि अगर प्रेशर थोड़ा भी ज्यादा कम हो गया, ठीक है, तो फिर नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है। तो ये रोल कर दिया हमने यहाँ पे, फिर क्या, हमें यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना होता है कि जो ये आपने रॉड लगाया है इसके अंदर वाला जो रोल होगा, ये जो अंदर क्रैप लगा है इसमें जो आप वन फिंगर घुसा सको इतनी कम से कम जगह होनी चाहिए, एकदम ही टाइट नहीं होना चाहिए कि आप एक फिंगर भी नहीं घुसा पाओ, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है। प्लस आपके पास लाइक हॉस्पिटल पहुंचने के पहले आपके पास लगभग 30 मिनट से ज्यादा लगने ही वाले हैं हॉस्पिटल पहुंचने के पहले, तो 30 मिनट से ज्यादा और 3 घंटे से कम अगर टाइम है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने से पहले, तो हमें टेक्निक यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसकी, और इलापिड स्नेक बाइट्स में हम करते हैं। तो अब एक बात आती है यहाँ पे कि हम ये टेक्निक क्यों करते हैं, ये पर्टिकुलर प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक से होता क्या है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है, ठीक है, जो पर्टिकुलर लिम्ब की जहाँ पर स्नेक बाइट है, वो जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ऑक्लूड हो जाता है बाय दिस पर्टिकुलर प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, जो पंपिंग होगा बाय द लिम्फेटिक सिस्टम वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इसका खासियत बात ये है कि ये जो आर्टरीज और वेन्स होती है, अगर आपने इसको अच्छे से परफॉर्म किया तो आर्टरीज और वेन्स जो होगी वो ऑक्लूड नहीं होगी, तो उसके कारण जो नेक्रोसिस है उसके चांसेस नहीं होंगे यहाँ पे, अगर आपने इस टेक्निक को अच्छे से किया परफॉर्म। तो इसलिए ओनली परफॉर्म बाय प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब जो अनदर टेक्निक है ऑफ प्रिवेंटिंग ऑफ द स्प्रेड ऑफ वेनम, इट इज द अवॉइड ऑफ मैनिपुलेशन। मीन्स जिस इंसान को स्नेक ने बाइट किया है और जहां बाइट किया है उसके आसपास कोई, उसके आसपास कोई भी प्रेशर बैंड या फिर ऐसी कोई ज्वेलरी, ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए जो वो पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर दे या फिर इन्फेक्शन स्प्रेड कर रहा हो या फिर बहुत ही ज्यादा लाइक वो जगह पे इंटरफियर कर रहा हो। तो आपको पूरा जो लिम्ब है वो क्लियर रखना है, प्लस आपको ध्यान रखना है कि इमोबिलाइजेशन हो वो लिम्ब का, ताकि सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कम हो। सो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ वेज, लाइक दे आर द वेज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ वेनम बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल, ठीक है। तो फर्स्ट एड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके लिए एक निमोनिक्स है, राइट, ठीक है, रिश्योरेंस, इमोबिलाइजेशन, गेट टू द हॉस्पिटल इमिडिएटली वेन यू लाइक सी अ स्नेक बाइट, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्नेक बाइट, और इफ यू आर द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम स्नेक बाइट, एंड फाइनली टेल द डॉक्टर अबाउट एनी सिस्टमिक और एनी काइंड ऑफ लोकल सिम्टम्स, ठीक है। और
ये भी चीज़ आप डॉक्टर को बता सकते हो कि मान लो कि आपको पता है कि वो कौन से स्नेक ने बाइट किया है और आपको इस बात का नॉलेज है कि स्नेक वेनमस था नॉन वेनमस था। अगर आपने ये वीडियो देखी है मेरी, तो आप ये बता सकते हो कि वेनमस था नॉन वेनमस था और इलैपिड बाइट था या फिर वाइपर बाइट था, क्योंकि आगे हम डिस्कस करेंगे कि वाइपर और इलैपिड बाइट में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ये भी बता ही दिया मैंने आपको। एक और टेक्निक होती है मोनाश टेक्निक, नॉट सो पॉपुलर वन बट डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कैसा होता है कि जहाँ पे स्नेक बाइट हुआ है वहाँ पे एक पर्टिकुलर पैड टाइप या फिर रबर टाइप लगा देते हैं और फिर उसको कपड़े से क्लोथ से बांध देते हैं। ठीक है, तो ये होता है मोनाश टेक्निक। मैंने आपको पहले ही बताया टॉनिक वुड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, वॉशिंग वो जगह की नहीं करनी है और सकिंग द वेनम भी नहीं करना है। ठीक है, बिकॉज हमें पता है हमें क्या करना है, क्या फॉलो करना है, प्राइमम नॉन नो सीयर फर्स्ट डू नो हार्म। सो अब हम डिस्कस करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द स्नेक बाइट एनवेनोमेशन सीवियरिटी स्केल। ये एक ऐसे टाइप का वी कैन से स्केल है, या फिर स्केल में क्या होता है उसमें मेजरमेंट्स होते हैं, राइट। सो वैसे यहाँ पे हम डिग्रीज और मेजरमेंट हम देखेंगे कि कौन सा जो स्नेक बाइट है वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स सीवियर नहीं है, कि कौन सा माइल्ड है, कौन सा मॉडरेट है। मीन्स जस्ट लाइक स्केल हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा जो स्नेक बाइट है वो सीवियर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो नॉन वेनोमेशन आएगा इस टेबल में। ये टेबल अगर आपको देखनी है तो जो नॉर्मली आपकी MBBS बुक्स होती है उसमें आपको एक टेबल अच्छा सा दिया हुआ है। ठीक है, पर वो टेबल जो है वो थोड़ा सा लाइक बोरिंग टाइप है। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको यहाँ पे डायग्राम से या फिर ये जो पिक्चर्स है उसमें से आपको मैं समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो पहली बात, ये जो SESS है, दैट इज स्नेक बाइट एनवेनोमेशन सीवियरिटी स्केल। ठीक है, तो इसमें चार टाइप्स के होंगे, नो एनवेनोमेशन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। अब इसमें क्या है, फैंग मार्क्स, ये जो फैंग मार्क आपको दिख रहा है ये हो सकता है कि फैंक मार्क प्रेजेंट हो सकता है कि नहीं हो। हो सकता है कि स्नेक ने बाइट कर दिया हो बट वेनम जो है बॉडी में नहीं आया हो। ठीक है, सो नो एनवेनोमेशन, हो सकता है कि वो वेनमस स्नेक था बट हो सकता है कि मतलब कि फैंक मार्क्स आपको दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं। नो एनवेनोमेशन में द फर्स्ट टाइप इन द स्नेक बाइट एनवेनोमेशन सीवियरिटी स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी प्रेजेंट्स और एब्सेंस ऑफ फैंग मार्क्स एट कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लोकल और सिस्टमिक सिम्टम्स। मतलब कोई भी लोकल, मतलब इसके आसपास आपको देखो स्वेलिंग्स भी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो हल्की सी स्वेलिंग भी नहीं दिख रही ऑलमोस्ट यहाँ पे, तो लोकल भी और सिस्टमिक मीन्स बॉडी के अंदर भी आपको कोई दिक्कत नहीं लग रही है पेशेंट के कि भाई सब कुछ सही है, तो नो एनवेनोमेशन मीन्स सब कुछ चंगा है यहाँ पे। जो नेक्स्ट टाइप है इन द SESS दैट इज द माइल्ड वन, माइल्ड एनवेनोमेशन। ठीक है, तो अब माइल्ड एनवेनोमेशन में आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं दिखेंगी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फैंग मार्क जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पे आपको फैंग मार्क दिख रहा है, तो यहाँ पे फैंग मार्क जो है वो आपको कंपलसरी दिखेगा, फैंग मार्क्स पॉजिटिव। सेकंड क्या है, आपको यहाँ पे जो पेशेंट है उसको मॉडरेट पेन होगा, हल्का सा पेन होगा उसको, और आसपास देख सकते हो कि इडिमा प्रेजेंट है। ये जो इडिमा होगा इट वुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से कम का इडिमा होगा। जो नेक्स्ट है वो एग्जिमा, जो एग्जिमा होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, आपको रेडनेस एज यू कैन सी आसपास रेडनेस दिखेंगे फैंग्स, फैंग मार्क के। ठीक है, एकिमोसिस जो है वो प्रेजेंट हो सकता भी है और नहीं भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिस्टमिक रिएक्शंस नहीं दिखेंगे, नो सिस्टमिक रिएक्शंस। ओके, तो अभी जब आगे सिस्टमिक रिएक्शंस आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से सिस्टमिक रिएक्शंस एक्चुअली बॉडी में दिखने को मिलते हैं जब स्नेक बाइट होता है, पर यहाँ पे तो अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, तो नो सिस्टमिक रिएक्शन सीन इन नो एनवेनोमेशन और माइल्ड एनवेनोमेशन। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि माइल्ड एनवेनोमेशन में क्या क्या चीज़ें दिखेंगी। सबसे पहले तो आपको फैंग मार्क दिखेगा। ठीक है, जो मॉडरेट पेन है वो पेशेंट सफर करेगा, मॉडरेट पेन। ठीक है, एरिथेमा रेडनेस दिखेगी, एकिमोसिस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एंड देयर वुड बी नो काइंड ऑफ सिस्टमिक रिएक्शन सीन इन द पेशेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इट इज द दिस टाइप इज द मॉडरेट एनवेनोमेशन इन द SESS। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्नेक बाइट है, जो फैंग मार्क है वो तो दिखेगा ही। ठीक है, तो फैंग मार्क वुड बी पॉजिटिव। यहाँ पे जो पेन होगा वो पेन जो है वो सीवियर होगा। ठीक है, तो सीवियर पेन सीन इन द
पेशेंट, ऑल्सो लोकल इडीमा तो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। अगर आपको याद हो जो माइल्ड एनवायरनमेशन है उसमें जो लोकल इडीमा था वो था, वो क्या था, वो लेस देन 15 सेंटीमीटर था। यहाँ पे जो लोकल इडीमा होगा इट विड बी अराउंड 30 सेंटीमीटर, मीन्स यू कैन अज्यूम इट कैन बी बिटवीन 15 टू 30 सेंटीमीटर जो लोकल इडीमा होगा वो, ठीक है, 15 टू 30 सेंटीमीटर जितना इन द मॉडरेट एनवायरनमेशन। और क्या क्या चेंजेस दिखेंगे, हमने और क्या बात की थी, एरिदेमा की बात की थी, तो ऑफकोर्स एरिदेमा यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। एक्यूमोसिस, एज यू कैन सी इस केस में साफ साफ एक्यूमोसिस दिखाई दे रहा है, तो एक्यूमोसिस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मॉडरेट और सीवियर केसेस में सिस्टमिक रिएक्शंस दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से आपको इन द मॉडरेट वन आपको कौन कौन सिस्टमिक रिएक्शंस दिख सकते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से सिस्टमिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले तो बहुत बेसिकली वीकनेस और स्वेटिंग पेशेंट को देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि वो पेशेंट को चक्कर चक्कर जैसा आएगा, यहाँ तक कि उसको वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग जैसा फीलिंग हो सकता है उसको, और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और अनेमिया हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपीनिया मीन्स प्लेटलेट डाउन, प्लेटलेट लेवल डाउन हो सकता है, अनेमिया हीमोग्लोबिन आरबीसी लेवल डाउन हो सकता है, ठीक है। तो ये थे सिस्टमिक रिएक्शन इन द मॉडरेट एनवायरनमेशन। हम रिवाइज कर लेते फटाफट से, क्या होगा, फैंग मार्क्स दिखेंगे कंपल्सरी यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। जो पेशेंट है उसको सीवियर पेन फील होगा, ठीक है, और लोकल इडीमा 15 टू 30 सेंटीमीटर जितना, ये लोकल इडीमा आपको दिखेगा, एरिथेमा दिखेगा, एक्यूमोसिस दिखेगा, और सिस्टमिक रिएक्शंस में आपको जो बेसिक है वो दिखेंगी, लाइक वीकनेस, सिनकोपी, चक्कर आएगा उसको, वॉमिटिंग टाइप्स होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, स्वेटिंग आएगी, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और अनेमिया नोटिस होगा उसके रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक सिस्टमिक रिएक्शन सीन इन द मॉडरेट एनवायरनमेशन, ओके। ये जो है ना पूरा टेबल एक बुक में दिया हुआ, जब नॉर्मल एमबीबीएस की बुक्स पढ़ते हो, ठीक है, बट उसको इस वे में डेपिक्ट करके दिखाऊंगी अगर मैं, तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि टेबल याद करोगे फिर भूल जाओगे, राइट। ओके, नाउ कम्स द सीवियर वन, सीवियर एनवायरनमेशन। तो अब जो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ठीक है, वो चीज़ें तो होंगी, फॉर एग्जाम्पल फैंग मार्क्स पॉजिटिव, सीवियर पेन तो ऑफकोर्स होगा, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा यहाँ पे, ठीक है, सीवियर का भी सीवियर पेन होगा यहाँ पे, ठीक है। और लोकल इडीमा, एज यू कैन सी जो फैंग मार्क है उसके आसपास लोकल इडीमा प्रेजेंट होगा, और जो इडीमा होगा वो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो माइल्ड केस था उसमें लेस देन 15 सेंटीमीटर था, मॉडरेट में 15 टू 30 था, सीवियर में इट विल बी मोर देन 30 सेंटीमीटर का लोकल इडीमा पेशेंट में दिखने को मिलेगा, ठीक है। और क्या क्या था हमने अभी तक पढ़ा, एरिथेमा, एरिथेमा पॉजिटिव, एक्यूमोसिस, एक्यूमोसिस पॉजिटिव, और सिस्टमिक रिएक्शन तो ऑफकोर्स यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो बेसिक सिस्टमिक रिएक्शन देखने को मिलेंगी वो है हाइपोटेंशन, ठीक है, पेरेस्थीसिया, इनफैक्ट कोमा में भी पेशेंट जा सकता है, और न्यूरो पैरालिसिस होगा, अगर न्यूरोटॉक्सिसिटी प्रेजेंट होगी ये पेशेंट में तो उसको रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अभी तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा कम मैंने सिस्टमिक रिएक्शंस बताई सीवियर एनवायरनमेशन की, ठीक है, अभी बहुत बेसिक मैंने आपको बताई है रिएक्शंस, अभी हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी लाइक ये रिएक्शंस सिस्टमिक रिएक्शंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो कौन कौन सी देखने को मिलती है हम और डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, पैरेस्थीसिस देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी फेलियर जो पेशेंट है बिकॉज ऑफ न्यूरोपैरालिसिस, अगर इलापेट स्नेक बाइट हुआ तो उसको न्यूरोपैरालिसिस हो सकती है और उसको रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं अब मार्कर्स ऑफ सीवियर एनवायरनमेशन। अभी तो जो हमने पढ़ा वो बहुत बेसिक बेसिक और बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊपर से वो थे ये सिस्टमिक रिएक्शंस, अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्कर क्या है, जो भी अगर मान लो इंसान ने देखा वो उसको आसपास दिखेगा कि भाई जो स्नेक था वो क्या था, वेनमस था, तो ये ऑफकोर्स ये तो एक बहुत ही बेसिक मार्कर है कि भाई सीवियर एनवायरनमेशन था। फिर एज यू कैन सी ओवर हियर लोकल इडीमा, लोकल इडीमा इट इज मोर देन 30, मोर देन 30 जो है वो लोकल इडीमा दिखाई देगा, और जो इडीमा होगा ना ये पहले 15 होगा, फिर 30 होगा, फिर और बढ़ता जाएगा 50, 60, ऐसे इडीमा जो है बॉडी में बढ़ते ही जाएंगे।
वेरी इंपॉर्टेंटली जो लिम्फ नोड हो गए, मान लो कि पैर में बाइट हुआ है तो जो वहां के लिम्फ नोड्स होंगे वो स्वेल करेंगे, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होगा। और ये सारे स्नेक बाइट के इतने सारे ये जो है यहाँ पे आपको सिस्टमिक रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, ये सारे एग में इस बहुत अच्छी पिक्चर में आपको दिख गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा मॉडरेट में क्या था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो ऑफ कोर्स यहाँ भी वही होगा। तो सीवियर एनवायरनमेशन में सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो क्या होगा, बॉडी में ब्लीडिंग, जगह जगह पर ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, जहाँ पे भी लाइक पॉसिबल साइट्स होंगे वहाँ पे ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन द गम्स, तो गम ब्लीडिंग चालू हो जाएगा इन द सीवियर एनवायरनमेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डार्क ब्राउन कलर्ड यूरिन दिखाई देगा बिकॉज ऑफ मे बी बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन यूरिया, मायोग्लोबिन यूरिया, ठीक है, तो क्या होगा दिखाई देगा डार्क ब्राउन कलर का यूरिन दिखाई देगा। तो ये सब है मार्कर्स ऑफ सीवियर एनवायरनमेशन। अब नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अब जो पेशेंट है वो पहुंच चुका है हॉस्पिटल, अब वहां पे हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, तो वहां पे हम देते हैं एंटी वेनम ट्रीटमेंट। तो एंटी वेनम ट्रीटमेंट जो है उसमें क्या आता है, उसमें आता है लायोफिलाइज्ड पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम सीरम। ओके, एंटी स्नेक वेनम ही लिखा है, एंटी स्नेक वेनम सीरम होता है वो, ठीक है। तो लायोफिलाइज्ड पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम सीरम। तो अब सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज लायोफिलाइज्ड। लायोफिलाइजेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्निक होती है जिससे हम जो सीरम है ये एंटी स्नेक वेनम सीरम है उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ, दिस पर्टिकुलर लायोफिलाइजेशन प्रोसेस हम क्या करते हैं, फ्रीज ड्राई करते हैं। सबसे पहले तो हम जो सीरम है उसको फ्रीज कर देते हैं, तो उससे कारण क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे सीरम में वो क्या होंगे, फ्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इन शॉर्ट वी कैन से प्रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रीज हो गए एंजाइम्स, अब क्या होगा उसको हम वैक्यूम ड्राई करेंगे। वैक्यूम ड्राई करने से क्या होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। व्हाट इज सब्लिमेशन, मतलब कि डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस, लिक्विड फेज नहीं आएगा। तो लायोफिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम फ्रीज करते हैं, फिर उसको वैक्यूम ड्राई करते हैं। वैक्यूम ड्राई में करने से क्या होगा, जो सॉलिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा गैस में, स्किपिंग द लिक्विड फेज। तो उससे कारण क्या होगा, जो सीरम है वो प्रिजर्व होगा, खराब नहीं होगा। सो लायोफिलाइज्ड पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक वेनम सीरम हम इसको किस किस में यूज कर सकते हैं, कोबरा में, क्रेट्स में, तो सौ स्केल वाइपर और रुशेल्स वाइपर में हम यूज कर सकते हैं इजिली वेनम, जो ये वेनमस स्नेक बाइट होता है उसमें। अब इसके डोज क्या क्या देते हैं हम, तो इतना याद रखना है आपको कि जो वन वायल सीरम होता है, एक वायल में होता है 10 ml ऑफ सीरम प्रेजेंट, ठीक है। और जो डोज देते हैं हम नॉर्मली वो होता है 80 to 100 ml ऑफ सीरम। हम जो पर्टिकुलर इंसान को जिसको स्नेक बाइट हुआ है उसको जो इनिशियल डोज अराउंड हम इतना 80 to 100 ml देते हैं इन 200 to 500 ml ऑफ आइसोटोनिक सलाइन, एंड इट इज गिवन बाय स्लो आईवी रूट इन 1 hour, 1 hour के अंदर हम इतना देते हैं, ठीक है। मतलब कि कितना हुआ, कितने वायल्स देंगे हम, अगर एक वायल में 10 ml होता है तो ऑलमोस्ट 8 to 10 vials हम इनिशियल डोज में देते हैं नॉर्मली। इनिशियल डोज मतलब कि नॉर्मली हम देते हैं, ठीक है, इनिशियल डोज कम भी हो सकता है पर नॉर्मली हम इतना ही देते हैं। ओके, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मान लो कि वेस्क्यूलर टॉक्सिसिटी हो गई है पेशेंट को, मतलब कि वाइपर स्नेक ने बाइट किया है या फिर उसको जो वेनमस स्नेक ने बाइट किया है उसके कारण जो पेशेंट है उसको वेस्क्यूलर टॉक्सिसिटी हो गई है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अराउंड 30 vials मैक्सिमम देंगे हम, ये याद रखना है आपको, मैक्सिमम 30 vials देंगे बाय द 6 hour rule। और अगर वो पेशेंट को न्यूरोटॉक्सिक कंडीशन है तो उसको मैक्सिमम 20 vials देंगे बाय 1 hour rule। ओके, नाउ मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट पॉइजनिंग, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज है, वन ऑफ द मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपके बुक में MBBS की बुक्स में, थर्ड ईयर की बुक में, जो आपकी जो आप नॉर्मली बुक्स यूज करते हो FM की, उसमें दिया हुआ है, वैसे ये पूरा टेबल दिया हुआ है तो उसको ही हम डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा टेबल है, बहुत अच्छे तरीके से ये मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगी, जो ये बहुत ही ज़्यादा, इससे क्या होगा कि आप लोग इजीली मैनेजमेंट समझ पाओगे कि आपको कौन से बाइट में, जो हमने स्केल पढ़ा अभी, स्नेक बाइट एनवायरनमेशन सीवीआरटी स्केल हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो जो स्नेक बाइट का जो स्केल पढ़ा
वो भी यहाँ पे आपको काम आएगा, और उस स्केल की बेसिस पे हम यहाँ पे मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए मैंने आपको जो स्केल था वो आपको फटाफट से बता सकती थी, पर मैंने आपको डिटेल में इसीलिए बताया ताकि वो आपको अगर वहां पे याद हो गया ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस मैनेजमेंट समझना है, और कोई भी पेशेंट आएगा तो जस्ट उसको देख के आप बता पाओगे कि भाई ये कौन से टाइप का, कौन से स्केल, कौन से नंबर का इसको भाई एनवेनोवेशन है। तो फटाफट से मैं इसके आगे अब इसको ट्रीटमेंट करूंगा ठीक है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट में आपको ये देखने का है कि वो जो इंसान है उसको ड्राई बाइट है कि मॉडरेट टू सीवियर बाइट है। नाउ व्हाट इज ड्राई बाइट? ड्राई बाइट से आपको पता चल ही जाता है कि या तो उसको नो एनवेनोमेशन है, नो एनवेनोमेशन होगा तो ऑलमोस्ट कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बट उसके अब क्या होगा, माइल्ड एनवेनोमेशन होगा, मीन्स हो सकता है थोड़ा अमाउंट ऑफ जहर होगा बॉडी में। तो क्या करेंगे हम, ड्राई बाइट में माइल्ड एनवेनोमेशन है मतलब कि उसको सिस्टमिक चेंजेस, सिस्टमिक रिएक्शंस नहीं थे, उसको बस हल्का सा लोकल इडीमा था। तो हो सकता है कि बॉडी में वेनम नहीं गया हो, या फिर हो सकता है कि हल्का सा गया हो। तो अब यहाँ पे वो चेक कैसे करेंगे ड्राई बाइट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइल्ड कंडीशन है ठीक है। माइल्ड कंडीशन अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूँ अभी तो आप याद कर लो, अभी वापस मैं आपको बोल देती हूँ। माइल्ड एनवेनोमेशन में फेंग बाइट दिखेगा, जो पेशेंट है उसको हल्का सा मॉडरेट टाइप का पेन होगा, लोकल इडीमा जो है स्नेक स्नेक बाइट के आसपास का जो इडीमा है वो लेस देन 15 सेंटीमीटर होगा, एरिथेमा प्रेजेंट होगा, एकिमोसिस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिस्टमिक रिएक्शंस प्रेजेंट नहीं होंगे वो पर्टिकुलर पेशेंट में ठीक है। दैट इज द माइल्ड एनवेनोमेशन, मीन्स जो ड्राई बाइट में का, मीन्स सूखे बाइट में, दिक्कत नहीं ज्यादा यहाँ पे, बहुत ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। तो अब कैसे आप बताओ, अब क्या करोगे आप ड्राई बाइट में? तो अब आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि अभी सिम्टम्स नहीं आए हो सकता है कि बहुत ही थोड़ा सा वेनम बॉडी में गया हो ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो क्या करेंगे हम ड्राई बाइट में, कि भाई अभी तो हमें दिखता है कि माइल्ड कंडीशन है, तो ऐसा नहीं कि हम घर भेज देंगे उसको कि भाई दिक्कत नहीं ठीक हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, माइल्ड एनवेनोमेशन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, वो पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे फॉर 8 to 12 hours, 8 से 12 घंटे तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि भाई इसके सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रहे हैं, इसके सिस्टमिक सिम्टम्स चालू तो नहीं हो गए हैं, इसको पेन कंटिन्यूस अब बढ़ तो नहीं रहा है, ये ऑब्जर्व करेंगे ठीक है। क्योंकि हो सकता है वेनम थोड़ा सा चला गया हो और बाद में वो अपने रिएक्शंस दिखाए ठीक है। तो 8 से 12 घंटे तक हमने देखा, ऑब्जर्व किया, बट हमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखे एक्स्ट्रा, वो पेशेंट उतना ही है, नॉर्मल ही है, नो सिस्टमिक और एनी काइंड ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेशन सीन। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, हमें कोई भी उसको ये सीरम, एंटी स्नेक वेनम सीरम का लाइक देने की जरूरत नहीं है ठीक है। 8 से 12 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करोगे अब आप, उसको घर भेज दोगे? 8 से 12 घंटे में हमें नहीं दिखा कि भाई नहीं दिख रहा है, इसमें कोई भी सिम्टम नहीं, मतलब कि ये तो इंसान ठीक ही है, तो घर भेज देते हैं? नहीं, 8 से 12 घंटे ऑब्जर्व करने के बाद भी अगर वो पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं प्रोग्रेशन है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी हम उसको डिस्चार्ज नहीं करते हैं, हम उसको 24 आवर्स तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखते हैं ठीक है। ये बात हम आगे भी डिस्कस करेंगे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स में और वो सब में। बट कोई भी आपके पास वेनमस का या नॉन वेनमस का किसी भी तरह का आपके पास पेशेंट आता है और उसको कोई सिम्टम नहीं है तो भी उसको हम एडमिट रखेंगे हॉस्पिटल में फॉर 24 आवर्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं मॉडरेट टू सीवियर बाइट की, तो ये है थोड़ा सा हैवी। इसमें क्या होता है, इसमें पहली बात, मैंने आपको जो स्केल बताई SESS वाली जो स्केल मैंने बताई आपको ठीक है, स्नेक बाइट एनवेनोमेशन सीवियरिटी स्केल, उसमें हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन सी चीज़ें दिखेंगी मॉडरेट टू सीवियर बाइट में ठीक है। तो उससे पहले तो पता कर लो कि भाई ये बाइट है मॉडरेट या फिर सीवियर। अब हमें और अंदर देखने का है, तो अब और अंदर में क्या देखेंगे कि भाई उस इंसान को लोकल इडीमा प्रेजेंट है और एकिमोसिस प्रेजेंट है ठीक है। अगर उसको लोकल इडीमा और एकिमोसिस प्रेजेंट है ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड करेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, इमोबिलाइजेशन टेक्निक करेंगे, सिंपल से स्प्लिंट और स्लिंग यूज करके ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड तो हो गया, अब हम अपना इनिशियल डोज ऑफ एंटी स्नेक वेनम सीरम देंगे, यहाँ तक कि हम डायलिसिस भी कराएंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करेंगे ठीक है। मैं आपको टेबल बाद में दिखा दूंगी तो आप नोट कर सकते हो, अभी मैं आपको समझा दूँ क्या क्या चीज़ें करेंगे। अच्छा मैं बताई देती हूँ, रुको। लोकल एडीमा एकिमोसिस प्रेजेंट होगा तो इमोबिलाइजेशन,
इनिशियल डोज ऑफ एंटीस्नेक वेनम सीरम, डायलिसिस और ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम करेंगे, ठीक है। बट अच्छा एक और चीज, ये चीज हमने किया राइट, ये लोकल इडिमा और एक्विमोसिस में हमने ये सब चीजें कर दी, इनिशियल ये सब कर ऐसे हमने कर दिया, फिर हम देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट को। अगर एन वेनमेशन का प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब कि इनिशियल डोज ऑफ एंटी स्नेक वेनम हमने दिया और इसके बाद अब वो पेशेंट जो है उसमें जो सिस्टमिक रिएक्शन है और जो भी मतलब कि जो रिएक्शन है वो स्प्रेड नहीं हो रहे है, उतने ही है या फिर कम हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हमें आगे और डोसेस देनी नहीं पड़ेंगी। बट अगर एन वेनमेशन इनिशियल डोज देने के बाद भी, ये सब करने के बाद भी दिख रहा है कि भाई एन वेनमेशन तो बढ़ रही है, तो हम आगे और डोजेस देंगे। कितने देंगे हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है लोकल रेडनेस एंड न्यूरो पैरालिसिस। अगर वो पेशेंट में हमें लोकल रेडनेस और न्यूरो पैरालिसिस दिखती है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूरो पैरालिसिस दिखे मीन्स इलैपिड स्नेक बाइट हुआ है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर इमोबिलाइजेशन फॉर प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ वेनम इन द बॉडी, ठीक है। प्रेशर इमोबिलाइजेशन कर दिया फॉर द स्प्रेड प्रिवेंशन, फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल डोज ऑफ एंटी स्नेक वेनम सीरम देंगे सिंपल सा, और वेंटिलेटर सपोर्ट भी देंगे, ठीक है। क्यों देंगे ये आपको पता है, सोचो सोचो, क्योंकि इस इंसान को क्या हुआ है, न्यूरो पैरालिसिस मीन्स बल्बर पैरालिसिस और रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हुआ होगा, वरना हो सकता है, इसलिए हम उसको वेंटिलेटर सपोर्ट में रखेंगे, ठीक है। और क्या देंगे उसको, एट्रोपिन प्लस नियोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन इज एंटीकोलिनेस्टरेज, ठीक है। तो क्या होगा मीन्स एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो दिस नियोस्टिग्मिन रिवर्सेस द पैरालिसिस, द रिवर्सेस द पैरालिसिस, दैट्स व्हाई हम एट्रोपिन प्लस नियोस्टिग्मिन देंगे, ठीक है। तो वापस हम एक बारे में बात करेंगे कि मान लो हमने यहां तक दिया पेशेंट को, इनिशियल डोज दिया, ये सब किया, ठीक है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कुछ घंटे, अगर रिएक्शंस बढ़ रहे होंगे तो हम आगे की डोजेस देंगे, अगर रिएक्शंस नहीं बढ़ रहे होंगे तो हम आगे के डोजेस देने की जरूरत नहीं है। सो दीज ऑल आर द लाइक बहुत शॉर्ट में मैनेजमेंट ऑफ स्नेक बाइट, पर्सनिंग ड्राई बाइट, मॉडरेट टू सेवियर, देन इन दैट चेक फॉर लोकल एडिमा एंड एक्विमोसिस एंड डू दिस, एंड देन चेक फॉर लोकल रेडनेस एंड न्यूरोपैरालिसिस, इफ यू फाउंड दिस देन डू दिस। और एक बात वापस मैं आपको बोल रही हूँ, याद रखना है कि इलैपिड स्नेक बाइट जो न्यूरो पैरालिसिस करता है, हमें उसी में ही प्रेशर इमोबिलाइजेशन करने का है, हम वाइपर बाइट में नहीं करेंगे। वाइपर बाइट में करेंगे तो पेशेंट को लोकल नेक्रोसिस हो सकता है, इसलिए मैं अब आपको बार बार बोल रही हूँ कि न्यूरो पैरालिसिस हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम प्रेशर इमोबिलाइजेशन करेंगे, और यहाँ पे नॉर्मल सा इडिमा और एक्विमोसिस था इसलिए हमने इमोबिलाइजेशन, एक्चुअली नॉर्मल नहीं है बट यहाँ पे ये है, इसलिए हम क्या करेंगे, इमोबिलाइजेशन करेंगे नॉर्मल सा, क्योंकि ये जो टेक्निक है ना ये थोड़ी डेंजरस काम है, इमोबिलाइजेशन जो टेक्निक है, बट ये जो है ना प्रेशर वाली, ये अगर आपने ढंग से नहीं किया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर एंटी वेनम एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एंटी वेनम हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते राइट, कोई उसके लिए पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए। तो क्या क्या इंडिकेशंस है फॉर एंटी वेनम एडमिनिस्ट्रेशन, तो सबसे पहले आपको सिस्टमिक चेंजेस दिखाई देने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख सकता है ब्लीडिंग, जो जनरल ब्लीडिंग है, हीमोस्टेटिक एबनॉर्मलिटीज दिखाई देंगी आपको, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एनीमिया, ये सब दिखाई देगा। तो ये सब दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ कि भाई एंटी वेनम तो देना पड़ेगा अभी। और क्या क्या दिखेगा हमें, ये यहाँ पे हमें CNS चेंज दिख रहा है, CNS रिएक्शन दैट इज टोसिस ऑब्जर्व होगा स्नेक बाइट पेशेंट में, यहाँ तक कि एज यू कैन सी रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर, ऑलिग्यूरिया, एलिवेटेड क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है एंटी वेनम एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। तो एक्यूट रीनल फेलियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ एंटी वेनम एडमिनिस्ट्रेशन। और रिएक्शंस की बात अगर हम करें तो और क्या क्या दिखेंगे हमें, इंटरवास्कुलर हीमोलाइसिस दिख सकता है, रेप्डोमाइलाइसिस दिख सकता है, हीमोग्लोबिनूरिया, मायोग्लोबिनूरिया, यहाँ तक कि CNS एबनॉर्मलिटीज मैंने आपको पहले ही बताया, टोसिस और एक्सटर्नल ऑप्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। तो ये सारी जो है ये सब इंडिकेटर्स है फॉर एंटी वेनम एडमिनिस्ट्रेशन।
तो अब हमने सिस्टमिक इंडिकेटर्स तो देख लिए, अब हम थोड़े लोकल की भी बात कर लेते हैं। तो लोकल में क्या क्या दिखेगा आपको? मैंने आपको पहले बताया जो लोकल स्वेलिंग है वो दिखाई देगी, और उतनी ही नहीं, वो स्वेलिंग जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही होगी, फटाफट से बढ़ रही होगी, राइट? रैपिड एक्सटेंशन हो रहा होगा इडीमा का। और पहले ही बताया मैंने जो लिम्फ नोड्स है पर्टिकुलर लिम्फ के, वो एनलार्जमेंट, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिखाई देगा। सो ये सब क्या है भाई? इंडिकेटर्स है कि भाई एंटी वेनम, एंटी स्नेक वेनम तो भाई अब तो चढ़ाना ही पड़ेगा ना। एंटी वेनम ट्रीटमेंट शुड बी गिवन एज सून एज इट इज इंडिकेटेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, और क्या क्या चीज है? इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड विद इन 4 आवर्स, ओके, बट इट इज इफेक्टिव इवन अप टिल 24 आवर्स, ठीक है? बट अगर आप 4 घंटे के अंदर चढ़ा दो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? बट 24 घंटे के अंदर चढ़ाओगे तो भी इफेक्टिव है वो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो एंटी स्नेक वेनम सीरम है इसका कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, देर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर दिस। हाँ, बट ये बात याद रखना कि इसके एडवर्स इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स है इस पर्टिकुलर सीरम के, यहाँ तक ये सीरम जो है बहुत ही कॉस्टली होती है ऑफकोर्स, ठीक है? माइल्ड एनवेनमेशन है, हमने डिस्कस किया, उसमें कितने देंगे हम? 5 वायल्स देंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था जो इनिशियल डोजेस होती है वो अराउंड 80 to 100 ml, मतलब कि अराउंड 8 to 10 vials इनिशियल केसेस में हम देते हैं नॉर्मली। बट अगर माइल्ड एन, वो हमने जनरली बात की थी, माइल्ड एनवेनमेशन है तो हम उसमें इनिशियल कितना देंगे? 5 vials, मॉडरेट में 5 to 10 vials, सीवियर में 10 to 20 vials। नाउ पेशेंट ऑब्जर्व फॉर एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर IV एंटी वेनम एडमिनिस्ट्रेशन। हम 1 घंटे तक उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन को में रखेंगे पेशेंट को आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द सीरम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि जो पर्टिकुलर सीरम है उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, और जो इसके दो बहुत ही ज्यादा कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो है एनाफाइलेक्टिक शॉक और सीरम सिकनेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंटी वेनम रिएक्शन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो स्नेक, जो एंटी स्नेक वेनम जो है उसके साइड इफेक्ट्स है, और बहुत ही डेंजरस और बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स जो है वो दो है, और भी बहुत सारे पर ये दो बहुत ही कॉमन है, दैट इज द एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड द सीरम सिकनेस। जो एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो एक्चुअली में है टाइप 1 इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ठीक है? इसमें अगर आपको इसको कम करना है, मान लो कि पेशेंट को हो गया, तो आप क्या दोगे? एड्रीनालिन दोगे पेशेंट को, तो ये जो है पर्टिकुलर एनाफाइलेक्टिक HSR जो है वो कम हो गया, हटेगा। सीरम सिकनेस, सीरम सिकनेस जो होता है वो कॉमनली जब आप ज़्यादा डोज दे देते हो पेशेंट को ये सीरम का, तो सीरम सिकनेस हो जाता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर का आपको पता होना चाहिए, आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि कौन सा माइल्ड एनवेनोमेशन है, कौन सा मॉडरेट है और कौन सा सीवियर है, तो उसके बेसिस पे आप डोज दोगे। वरना अगर आपने ज्यादा दे दिया, डोज ज्यादा हो गया, तो सीरम सिकनेस हो सकता है, ठीक है? तो सीरम सिकनेस इज डोज रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटीवेनम सीरम। नाउ अभी तक हमने मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया, मैनेजमेंट देख लिया, सीरम के बारे में पढ़ लिया। अब सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्टिव मेजरमेंट्स क्या देंगे हम, ठीक है? तो पहली बात, वेंटिलेटर केयर देंगे फॉर बल्बर पैरालिसिस एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, पर्टिकुलरली इन न्यूरो पैरालिसिस। नेक्स्ट इज द केयर ऑफ द बिटन बाइट, कि जो पर्टिकुलर जहाँ पे बाइट किया है पर्टिकुलर पेशेंट को, जहाँ पे स्नेक ने बाइट किया है वहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करेंगे, टिटनेस टॉक्सॉइड देंगे, ठीक है, वो पेशेंट को। सर्जिकल एक्सेशन, अगर कोई पर्टिकुलर एरिया जो जहाँ पे बाइट किया है वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया, तो वहाँ पे हम सर्जिकल एक्सीशन भी करेंगे, और हम एंटीकोलिन एस्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे। हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि हम नियोस्टिग्मिन प्लस एट्रोपिन प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पैरालिसिस है उसको रिवर्स कर सके। अब अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन या शॉक हुआ है तो हम उसको रिंगर लैक्टेट प्रोवाइड करेंगे। अगर उसका सेरेब्रल वेनस प्रेशर जो है वो कम हो गया है तो हम 5% एल्ब्यूमिन, फ्रेश होल ब्लड, फ्रोजन प्लाज्मा कुछ भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं, डोपामीन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑलिग्यूरिया एंड रिनल फेलियर में हम उसको रिहाइड्रेशन कराएंगे, डायरेटिक्स, डोपामीन, ओके। हीमोडायलिसिस, हीमोस्टेटिक डिस्टर्बेंस मतलब कि
कोआगुलोपैथी हुई है पेशेंट को या फिर क्लॉटिंग एबनॉर्मलिटीज हुई है, तो हम उसको ये सारे सपोर्टिव मेजर्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में ये चीज हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको ये फाइंड करने का है कि भाई वो वेनमस स्नेक था या नॉन वेनमस स्नेक था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे, इवन फॉर मैनेजमेंट पर्पस ऑल्सो ये जानना जरूरी है कि वो वेनमस था या नॉन वेनमस था। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले तो कि फैंग मार्क्स दिखेंगे आपको वेनमस में, नॉन वेनमस में आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल दांत। जो नॉन वेनमस होता है उनके पास नॉर्मल रोज ऑफ टीथ होता है, सेमी सर्कुलर यू कैन सी, और जो ये पर्टिकुलर वेनमस स्नेक होता है फैंग मार्क्स दिखेंगे प्लस नॉर्मल जो रोज ऑफ टीथ है वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये था। अब और एक बात है कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो देख के, जो नॉन वेनमस बाइट्स होते हैं वो अराउंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर डीप होते हैं, ठीक है, और जो वेनमस होंगे वो ज्यादा डीप होंगे, अराउंड 2 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर जितने डीप होंगे। ठीक है, ये एक लाइक नॉर्मली इतना डीप कितना है ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं करता है, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करो कि भाई वाइपर बाइट था कि इलेपिड बाइट था पेशेंट को। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि जो वाइपर बाइट है वो क्या कॉज करते हैं, वेस्क्यूलो टॉक्सिसिटी, तो आपके आपको लगभग उस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे। और जो इलेपिड बाइट है वो क्या कॉज करता है, न्यूरो टॉक्सिसिटी, तो आपको उस हिसाब से दिखेंगे सिम्टम्स। यहाँ तक कि ये बाइट्स, ये दोनों के बीच का बाइट्स का डिफ्रेंशिएशन जाना इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेड की मेथड सोच पाओगे कि भाई क्या करें, हम इमोबिलाइजेशन करें कि प्रेशर इमोबिलाइजेशन करें, राइट। तो सबसे पहले हमारे पास है वाइपेरियन बाइट। तो वाइपेरियन बाइट में आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देंगी, सबसे पहले तो आपको ये फैंग बाइट दिखी रहा है, उसके आसपास एरिथेमा दिखेगा, सेलुलाइटिस दिखेगा, लोकल इडिमा ये दिखेगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वेस्क्यूलोटॉक्सिक कंडीशन, इट कॉजेज वेस्क्यूलोटॉक्सिसिटी, राइट। और क्या क्या दिखेंगे आपको, ये है हिस्टोलॉजिकल स्लाइड ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन आपको जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसके जो अंदर जो भी ऑर्गन्स है, विच कैन इंक्लूड ब्लैडर, विच कैन इंक्लूड स्टमक, विच कैन इंक्लूड इंटेस्टाइन, जो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे आपको पेटेचिस दिखाई दे सकता है, हेमरेजिस दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये लिम्फ नोड एनलार्जमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर लिम्फ में जहाँ बाइट किया होगा, एज यू कैन सी ओवर, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, हेमरेजिस दिखाई देंगे आपको, पेटेचिस दिखाई देंगे, और क्या क्या दिखाई देगा, नॉर्मल किडनी है ये और ये इन्फ्लेम्ड किडनी है, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन दिखाई देगा इन द किडनी। ओके, मीन्स विच कैन ऑल्सो कॉज एक्यूट रिनल फेलियर, ऑलिग्यूरिया एंड इवन इंक्रीमेंट इन द क्रियासिनिन एंड द यूरिया लेवल, इन द पर्टिकुलर वाइपेरियन बाइट की बात हो रही है यहाँ पे। नाउ इलेपिड बाइट, इलेपिड बाइट कॉजेज वॉट, यू नो द आंसर, इट कॉजेज न्यूरोटॉक्सिसिटी, अब तो आपको याद हो ही गया होगा। तो अब इलेपिड स्नेक बाइट में कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगी आपको, लाइक एज अ सिम्टम वी कैन से, एज अ लाइक एक्सटर्नली आपको क्या क्या चीजें दिखाई देंगी, क्योंकि हमने सिस्टमिक वाली बातें कर ली है। तो इलेपिड स्नेक बाइट में सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि इलेपिड स्नेक बाइट में बहुत ज्यादा ही डेफिनेट अपीयरेंसेस नहीं दिखती है जिससे आप बता पाओ कि भाई ये इलेपिड बाइट है। हाँ, वेस्क्यूलोटॉक्सिसिटी मतलब कि ये जो अपना वाइपर बाइट था, वाइपर बाइट में आपको दिख रहे थे, राइट, बहुत सारे सिम्टम्स दिख रहे थे, बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारी लाइक चेंजेस दिख रहे थे, बहुत सारे इंडिकेटर्स थे कि भाई ये वाइपर बाइट है, बट इलेपिड बाइट में बहुत ही डेफिनेट इंडिकेटर्स नहीं दिखते हैं कि भाई ये इलेपिड बाइट है। तो कौन कौन से दिखते हैं वो बता दूं मैं आपको, तो जो एरिया यहाँ पे बाइट किया होगा उसके आसपास फ्लूड रिटेंशन दिखेगा, और जो वेसल्स होंगी वो पर्टिकुलर एरिया के आसपास वो आपको स्टेन्ड दिखाई देंगी। क्यों स्टेन्ड दिखाई देंगी, क्योंकि बॉडी में हीमोलाइसिस हो गया होगा, तो जो वेसल्स है वो स्टेन्ड दिखाई देंगी। बाकी इसके अलावा ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं होते कि भाई इलेपिड बाइट हुआ है। ठीक है, तब बात करते हैं हम फाइनल चीज़ की, दैट इज़ द मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 24 आवर के ऑब्जर्वेशन में हमें रखना है पेशेंट को, भले ही वो वेनमस हो या नॉन वेनमस स्नेक बाइट हो। और क्या है, ओके,
जो डॉक्टर है उस पर एलिगेशन ऑफ नेग्लिजेंस लग सकता है इफ द डॉक्टर इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द वेनमस एंड द नॉन वेनमस स्नेक बाइट, ठीक है। और अगर अच्छे से डिफरेंस, बिकॉज वेनमस एंड नॉन वेनमस स्नेक बाइट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट कैसे होगी, राइट। तो और अगर मान लो कि नॉन वेनमस बाइट था और गलती से वेनमस समझ के डोज दे दिया, भाई ज़्यादा दे दिया, तो क्या होगा, एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है पेशेंट को, सीरम सिकनेस हो सकता है, और ये सारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए एलिगेशन ऑफ नेग्लिजेंस लग सकता है डॉक्टर पे अगर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि भाई ये वेनमस था या नॉन वेनमस था, ठीक है। और जो स्नेक बाइट्स होते हैं मोस्टली एक्सीडेंटल ही होते हैं, भाई गलती से कहीं घूमने गए और क्या हो गया, स्नेक बाइट हो गया, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड मोस्टली कहाँ पे किनको देखा जाता है, फार्मर्स में देखा जाता है, क्योंकि उनको खेती में काम करना होता है तो वो जगहों पे सांप दिखने को ज़्यादा मिलते हैं, राइट। तो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कॉमन है। ओकेशनली मर्डर बहुत कम केसेस में पर होते हैं, लाइक मर्डर भी करते हैं लोग, कैसे करते हैं कि भाई कोई इंसान सो रहा है तो उसके ऊपर जाके सांप फेंक कर आ गए, जहरीला सांप, तो काट लेगा, तो क्या हो गया, टाइप ऑफ मर्डर हो गया, ओके। रेयरली सुसाइड, बहुत कुछ केसेस में सुसाइड भी लोग कर लेते हैं थ्रू स्नेक्स, ठीक है। तो ये सारे मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, एक आपको कंडीशन दूंगी, ठीक है, और उसका जवाब भी आपको दे ही दूंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कैसे है कंडीशन, कैसी है कि मान लो कि दो भाई है, ठीक है, एक है 25 साल का और एक है 5 साल का, वो दोनों गए हैं घूमने जंगल में और वहाँ पे उनको एक जहरीला सांप काट लेता है दोनों भाइयों को, जो 25 साल का है वो भी और जो 5 साल का है वो भी, ठीक है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो एंटी स्नेक वेनम का जो सीरम होगा, जो उसका डोज होगा, वो आप किसको ज़्यादा दोगे, 25 साल के भाई वाले, 25 साल वाले भाई को कि 5 साल वाले बच्चे को, मतलब कि 5 साल वाले भाई को, जल्दी जल्दी सोचो, क्विक, किसको हम डोज ज्यादा देंगे, 25 साल वाले भाई को कि 5 साल वाले भाई को, फटाफट फटाफट मैं आंसर बोल रही हूँ। तो इसका आंसर है कि हम दोनों को ही, 5 साल वाले या 25 साल वाले, दोनों को ही हम सेम डोज देंगे, या फिर डोज इस हिसाब से देंगे कि उनकी बॉडी में सिम्टम्स की सीवियरिटी कितनी है, अगर दोनों में सेम सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं हमें, सब कुछ सेम है, तो हम डोज भी दोनों को सेम ही देंगे, क्योंकि जो सांप होता है वो जहर एज बच्चे बच्चे को देख के या बड़े को देख के जहर नहीं देता, जहर नहीं छोड़ता वो पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, ठीक है, वो तो अपना जहर डाल देता है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है कि अगर स्नेक बाइट है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द एज, 5 साल हो, 25 साल हो, कोई भी साल हो, कोई भी एज हो, एज डजेंट मैटर्स इन द डोज ऑफ द एंटी स्नेक वेनम सीरम, ठीक है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ओपी पॉइजनिंग है, तो ओपी पॉइजनिंग में क्या करते हैं, बच्चों का डोज कम होता है, एडल्ट का डोज ज़्यादा होता है इन द ओपी पॉइजनिंग, राइट। ऑर्गेनोफॉस्फेट टू पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फरस पॉइजनिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, एडल्ट को डोज ज़्यादा देते हैं। बट ये बात याद रखनी है कि स्नेक बाइट में हम एज मैटर नहीं कराएंगे, हम सिम्टम्स को मेन ध्यान में रखेंगे कि भाई सिम्टम्स क्या है, स्केल को जो मैंने आपको पढ़ाया, स्केल को हम ध्यान में रखेंगे कि भाई माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर कंडीशन है। और अगर दोनों को, 5 साल वाले भाई को 25 वाले को, दोनों को ही सेम टाइप के सिम्टम्स है, सेम सीवियर लेवल के सिम्टम्स है, तो हम सेम टाइप ऑफ डोज, सेम नंबर ऑफ डोज दोनों को ही देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया मैंने। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, थैंक यू सो मच।